हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते, और जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। कि ये जो गठबंधन हुआ है ये बहुत सोच समझ के हुआ है। जावेद भाई ने बहुत सही कहा कि हम गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, हम लोगों के बुजुर्गों ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कायद नहीं माना था, हमने महात्मा गांधी को अपना कायद माना था, इस मिट्टी को अपना वतन माना था। ये मुल्क मिली जुली संस्कृति का मुल्क है, हमें जो सांझी विरासत मिली है हमें उसको संभाल के रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जंग आजादी की लड़ाई से लेकर के खेल के मैदान से लेकर के संस्कृति के मैदान से लेकर के इस मुल्क को की सरहदों की हिफाजत करने तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी मजहब के लोगों ने अपना योगदान दिया है। हम प्यार का पैगाम लेके आए हैं, हम इस मुल्क में सभी जात सभी मजहब के लोगों को साथ लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरा भारत तभी महान होगा जब इसमें बसने वाला हर व्यक्ति किसी भी जात और किसी भी मजहब का क्यों ना हो उसको बराबरी का अवसर मिलेगा। 5 साल पहले मैं बड़े आदर के साथ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं कि 5 साल पहले आपने बहुत सारे वादे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे, काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, किसानों की आमदनी उनकी लागत का 1.5 गुना दिलाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था कि बिल्कुल 2 हफ्ते के अंदर 4 हफ्ते के अंदर जो है गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, गजरौला से हसनपुर चले जाओ तो पता चल जाएगा कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, उजारी से संबल चले जाओ तो पता चल जाएगा कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। हमने बचपन में सुना था कि ये पार्टी जो है डंडी मारो की पार्टी है, लेकिन पता आपकी बार चला जब यूरिया के दाम बढ़ाए, यूरिया के दाम भी बढ़ाए और 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया, उसमें 5 किलो की डंडी मार ली। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये बच्चा आपका ये भाई आपका ये बेटा जो कि आपके ही इस हलके से है वो आपको आपके बीच में तो हमेशा नजर आएगा ही, लेकिन जिस मकसद के लिए बहन जी ने अखिलेश जी ने चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे अपना नुमाइंदा बना करके यहां भेजा है, अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और मुझे आप मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यहां भी नजर आऊंगा और वहां भी नजर आऊंगा। और वो अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता के किसी भी मजहब किसी भी जात का कोई क्यों ना हो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती कभी होने नहीं दूंगा।